वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आवर चैनल मधु साइंस क्लासेस। मधु साइंस क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए हम ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक विशेष सूचना दी थी कि आपकी किताबें विद्यालय में आ चुकी हैं और लगभग बहुत सारे गार्जियंस ने बुक परचेज कर ली है और उसी के ज़रिए हमने ऑनलाइन क्लासेस बुक वाइज स्टार्ट कर दी है। लास्ट टॉपिक था हमारा सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, वाक्य और उसके प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के प्रमुख पार्ट कौन से होते हैं। सेंटेंस के मेन जो टू पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मीन होता है विधेय। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेंस टू पार्ट्स, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के कंटेंस टू पार्ट्स, दो भाग होते हैं। प्रत्येक पूर्ण वाक्य जो होता है वो दो भाग से मिलकर बना हुआ होता है। ए सब्जेक्ट, पहला पार्ट है सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। इट मीन्स जो पूर्ण वाक्य होता है उसके दो भाग होते हैं, पहला पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है ये हम जानेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी टेल समथिंग। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है अबाउट विच वी टेल समथिंग, जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, कुछ कहते हैं। इट कैन बी ए पर्सन और थिंग, ये एक पर्सन भी हो सकता है और थिंग और वस्तु भी हो सकती है। इट मीन्स सब्जेक्ट एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट वह भाग होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं। यह सब्जेक्ट हमारा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ए सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन, एक सब्जेक्ट जो होता है वो एक कैन बी ए कॉमन नाउन, वो एक जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है। ए प्रॉपर नाउन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकता है। ए प्रोनाउन एक सर्वनाम हो सकता है और एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है। सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट। तो एक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला पार्ट हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, अब हम दोबारा समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। और ये जो सब्जेक्ट हमारा होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये नाउन फॉर्म में हो सकता है, प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है और नाउन फ्रेज फॉर्म में हो सकता है। सेकंड टॉपिक है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मीन होता है विधेय, विधेय। इट मीन्स एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाती है वो उसका विधेय होती है। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वाक्य का वह हिस्सा है विच इज टोल्ड, जिसे बताया जाता है अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। तो आप क्या समझे, ये समझे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट तो सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं और जो कुछ हम कहते हैं वो हमारा सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। द प्रेडिकेट कंटेंस द एक्शन, प्रेडिकेट में क्या क्या निहित होता है। एक्शन कोई भी वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, सहायक क्रिया हो सकती है, एंड एनी ऑब्जेक्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कहा जाए तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। अगर अन्य शब्दों में कहा जाए तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस के अंदर जो बचा हुआ पार्ट होता है इज द प्रेडिकेट, वही प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट आप कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो बहुत ही सिंपल है।
कोई भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आप पहचान लेंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है वो प्रेडिकेट होता है। तो एक सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को फाइंड करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं, जूली एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। जूली और उसका जो कुत्ता है रन दौड़ते हैं ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग। समुद्र के किनारे जहाँ लोग पिकनिक वगैरह घूमने के लिए जाते हैं उस किनारे पर जूली और उसका कुत्ता जो है वो दौड़ते हैं प्रत्येक सुबह। तो जूली और उसका कुत्ता जो है वो प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन प्रातःकाल बीच के ऊपर दौड़ते हैं। अब इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? जूली एंड हर डॉग, जूली और उसके कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इनके बारे में हमने जो बात की वो क्या है, रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, कि वो प्रत्येक दिन प्रातःकाल बीच के ऊपर दौड़ लगाते हैं, ये हमारा प्रेडिकेट। तो रेड वर्ड्स में जो आपको दिया गया है ये हमारा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अलावा जिस लाइन के अंदर इस सेंटेंस के अंदर जो रन से लेकर मॉर्निंग तक जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नाउ गिव ए लिटिल थॉट टू दिस सेंटेंस। आइए हम सेंटेंस को थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। अबाउट विच पार्ट इज बीइंग टोल्ड इन इट, किस पार्ट के बारे में हम बात करें? वह पार्ट जिसके बारे में इस वाक्य के अंदर बात की गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से इट इज़ जूली एंड हर डॉग। इस सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात की गई है? ऑब्वियसली स्पष्ट है कि हम जूली और उसके डॉग के बारे में बात की गई है। सो इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसलिए जूली और हर डॉग ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जूली एंड हर डॉग इसके बारे में बात की गई है, सो इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसलिए ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नाउ अब टेल व्हाट इज बीइंग टोल्ड अबाउट। अब आप बताइए जूली एंड हर डॉग, जूली एंड हर डॉग के बारे में क्या बताया जा रहा है? टेल बताइए, व्हाट इज बीइंग टोल्ड, क्या बताया जा रहा है अबाउट जूली एंड हर डॉग, जूली और उसके कुत्ते के बारे में। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ जो सेंटेंस का भाग है, रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग, रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग डिस्क्राइब्स, ये हमें बताता है किसके बारे में, जूली एंड हर डॉग। सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उल्लेख करता है, जूली एंड हर डॉग, जूली और उसके कुत्ते के बारे में बताता है। सो इसलिए इट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसलिए ये बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा सेंटेंस के। तो गाइस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस के अंदर हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है और जो बात की जाती है वो उसका प्रेडिकेट होता है। और इसको समझना बिल्कुल आसान है, कोई भी सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट को आप फाइंड कर लीजिए, उसके अलावा बचा हुआ जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखिए। ऑल मैन, सभी आदमी, आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्यों को समान रूप से उत्पन्न किया जाता है। मतलब सभी जो मनुष्य हैं उसको भगवान ने समान रूप से उत्पन्न कर किया है, या भगवान उनको समान रूप से उत्पन्न करते हैं। तो ऑल मैन किसके बारे में बात हो रही है, ऑल मैन ये हमारा सब्जेक्ट है, आर क्रिएटेड इक्वल और ये हमारा प्रेडिकेट है। शैली वेंट टू द स्टोर, शैली जो है वो स्टोर पर गई, दुकान पर गई, किसके बारे में बात हुई, शैली के बारे में। तो शैली सब्जेक्ट है और वेंट टू द स्टोर ये हमारा प्रेडिकेट है। कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट को हटा दो तो बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। द टायर्ड मैन एंड वीमेन वॉकड होम क्वाइटली, थके हुए आदमी और जो महिलाएं हैं वे चुपचाप अपने घर की ओर चले। तो किसके बारे में बात हुई, थके हुए आदमी और महिलाओं के बारे में, वे चुपचाप अपने घर की ओर चले। तो द टायर्ड मैन एंड वीमेन ये तो सब्जेक्ट है, इसके बारे में क्या बात की गई है, वॉक होम क्वाइटली, कि वे चुपचाप घर की ओर चले। द लेजी बॉय रैन स्लोली अराउंड द स्ट्रीट, आलसी लड़का जो है
वो धीरे धीरे गली में दौड़ता रहा। द लेजी बॉय रैन स्लोली, आलसी लड़का धीरे धीरे दौड़ा अराउंड द स्ट्रीट, गली के चारों ओर। तो लेजी बॉय सब्जेक्ट हो गया और रैन स्लोली अंडर अराउंड द स्ट्रीट और गली के चारों ओर धीरे धीरे दौड़ा, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। माई ब्रदर इज़ अ गुड स्विमर, मेरा भाई, ये सब्जेक्ट हो गया। इज़ अ गुड स्विमर, वो एक अच्छा स्विमर है, ये प्रेडिकेट हो गया। इज़ अ गुड स्विमर, किसके बारे में बात हुई? माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट है। क्या बात हुई? इज़ अ गुड स्विमर, वो एक अच्छा स्विमर है, तो ये इसका प्रेडिकेट है। दे वे डिड नॉट नो माई नेम, वे मेरा नाम नहीं जानते थे। दे सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट नो माई नेम ये प्रेडिकेट हो गया। तो गाइस आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के मेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट मीन्स एक सेंटेंस की दो यूनिट होती है, एक सेंटेंस की दो यूनिट होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस के बारे में, जिसके बारे में सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है। अब सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात करते हैं वो सेंटेंस में प्रेडिकेट कहलाता है। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हटा दें तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। अब एक्सरसाइज, आपको असाइनमेंट दिया जाता है एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं। जो लाइन के अंदर सब्जेक्ट दिया हुआ है वो आपको फाइंड करना है। मैं आपको एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बता दिया है, एक सेंटेंस और बता देता हूँ। द ब्राउन एंड ग्रीन टर्टल हाइड्स इन इट्स शेल, भूरे और हरे रंग का जो कछुआ है वो अपनी शेल, अपने जो उसका कवच है उसमें छिप जाता है। तो सब्जेक्ट है हमारा द ब्राउन एंड ग्रीन टर्टल, इसके बारे में बात हुई है, तो ये तो सब्जेक्ट है। क्या बात हुई है? हाइड्स इन इट्स शेल, वो अपने जो खोल है, जो उसका ऊपर का कोठर होता है, कवच होता है, उसमें वो छिप जाता है। ये क्या है? ये हम इसका प्रेडिकेट है। तो द ब्राउन एंड ग्रीन टर्टल सब्जेक्ट, बचा हुआ भाग प्रेडिकेट कहलाता है। तो ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है। और सेकंड यू जो हमारी बी जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है? आप ये प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं, इन प्रेडिकेट्स का कोई सा भी सब्जेक्ट बना सकते हैं इनके अनुसार सुटेबल। अगर ये आपको सिंगुलर वर्ब दी जा रही है तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल दी जा रही है तो आप प्लूरल यूज़ करेंगे। इट मीन्स अब पहले ए में आपको क्या फाइंड करना था? सब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना है? प्रेडिकेट दिया हुआ है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, एक्सरसाइज आपको जो सी दी गई है वो आपको हेल्प बॉक्स में से फाइंड करनी है। एक्सरसाइज डी जो दी हुई है, इस एक्सरसाइज में आपको सब्जेक्ट बताना है, प्रेडिकेट बताना है और नाइदर या फिर उसमें कोई भी नहीं है ये बताना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया था, काउस रैन इन द फील्ड, काऊ जो है वो खेत में दौड़ी, गाय जो है वो खेत में दौड़ी, किसके बारे में बात हुई? गाय। तो रेड रंग में क्या दिया हुआ है? द काउज, ये क्या है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या नाइदर, कुछ भी नहीं है। तो आपको सब्जेक्ट है तो काउज क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की टिक करना है। ऐसे सभी सेंटेंस में जो रेड वर्ड दिए हुए हैं वो आपको फाइंड करना है कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है या फिर दोनों ही नहीं है, तो आप नाइदर पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये सारा काम अपनी नोटबुक में भी करना है। अगर इस किसी प्रकार की बहुत प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।